बाकी हमारी गौ माता रोड पे घूम रही है। अरे भैया, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे फाइनली श्रेय मिल चुका है। तो हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और एक नए व्लॉग की फिर से शुरुआत हो चुकी है और एक नए जोश के साथ। और सुबह सुबह नाश्ते में जब टिक्की मिल जाए खाने को तो क्या ही मतलब जीवन सफल हो जाए, वो भी माता श्री के हाथों से बना हुआ। तो बाकी गर्मी से तो हालत ख़राब है, तो फटाफट घर में चलते हैं टिक्की खाने लेते हैं। तो ये रहा हमारा टिक्की और इसे खाते हैं। तो अब मौसम फिर से हो रहा है बारिश का, यानी बारिश होगी। बाकी इसका चिल्लाना बंद ही नहीं होता, मतलब इतना चिल्लाता है कि कितना भी खिला दो लेकिन चिल्लाता ही रहता है ये। बोले शाम हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं श्रेय को लेने के लिए रोडवेज बस स्टैंड, क्योंकि वो नोएडा गया था किसी इंटरव्यू के लिए। और क्या हुआ इंटरव्यू में, कैसे हुआ, वो तो मिलके ही पता चलेगा। तो फटाफट चलते हैं, उसको उठाते हैं, उसको घर ड्रॉप करते हैं, फिर पता करते हैं क्या निकला रिजल्ट। तो मस्त मौसम में श्रेय भाई को लेने के लिए निकल पड़ा हूँ और वो तो आ भी चुका है और मैं अभी पहुँचा भी नहीं हूँ, तो थोड़ी देर इंतजार करेगा और कुछ नहीं सकता। बाकी आज मैं तुम लोग को एक्सप्लोर कराऊंगा मेरठ का, जो मतलब बाइक से रिलेटेड एक्सेसरीज का पूरा मार्केट है वो। और मतलब इतना बड़ा मार्केट है, मतलब एक तरह से कहते हैं ना एक शहर का टोटल मार्केट जो होता है सब चीज़ों का, उसके बराबर का वो एक मार्केट है। सिर्फ हम बाइक एक्सेसरीज का और बाइक रिपेयरिंग शॉप जो है वहाँ पर, तो चलो एक्सप्लोर कराऊँगा पहले यहाँ से निकल लें। बाकी हमारी गौ माता रोड पे घूम रही है। अरे भैया, क्या कर रही है गौ माता। चलो बस थोड़ी दूर और बाकी है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोतीगंज मार्केट और इसके पूरे बाइक से रिलेटेड ही मार्केट है। बाकी फोटो आया हम पर ड्रॉप कर लें। तो उसके बाद तो हर तरफ बाइक के पार्ट, स्पेयर पार्ट जितने भी होते हैं वो, हेलमेट्स के हेलमेट जितने भी बहुत सारे हैं और कवर्स सब कुछ, सीट कवर जितने भी हैं सारे। और ये देखो ये इतने मार्केट है, पूरा मार्केट ही है, पूरा रोड जो पूरी गली कहेंगे पूरा मोतीगंज मार्केट है। ये मेरठ का सबसे बड़ा मार्केट, यहाँ पर कोई भी बाइक का पार्ट हो कोई भी सब मिल जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर चल भी रहा है जिसमें रिपेयरिंग का काम, यहाँ पे हौले हौले पड़े जा रहे हैं आगे ड्रॉप करते हुए। और यहाँ पे फाइनली जाके ख़त्म हो गया मार्केट, देना है। तो यहाँ पे फाइनली श्रेय मिल चुका है, चल बैठ जाके। तो श्रेय को पिक कर लिया है और अब निकल चुके हैं रोडवेज से, चलते हैं पहले घर से। आइए सोचना हम करते हैं क्या, अरे भैया क्या चाह रहे हैं लोग। मतलब रोड पे ही बाइक सब अपने व्हीकल्स खड़ी कर रहे हैं। तो फाइनली भीड़ भाड़ से निकल के हम पहुंच चुके हैं कचहरी साइड और अब यहाँ से बस एक अगर कुछ ही दूर है, तो उसके बाद उसको घर पर ड्रॉप करते हैं। बाकी बेचारे के साथ भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ है आज, क्या हुआ कैसे हुआ तो घर जाके बताऊंगा अभी, तो मेरे घर ही पहुँच रहा है। तो यहाँ पे फेरी भी पहचान नहीं रही है और सूर्य के साथ घूम रही है फेरी फेरी। तो सूर्य को ड्रॉप कर दिया है और अब चलते हैं अपने घर। तो सूर्य भाई को बस स्टैंड से छोड़ खा के घर पे छोड़ दिया है और हम अपने घर के लिए निकल पड़े हैं। तो आज कुछ इधर उधर ज़्यादा टहलना नहीं था, क्योंकि वैसे भी सूर्य थक गया है, इंटरव्यू दे गया है और ट्रैवलिंग कर गया है, तो सारे काम कर गया है, तो रेस्ट की तो नीड उसकी होगी। और आज अच्छी नींद आएगी, ट्रैवलिंग कर गया है स्पेशली बॉडी जब एकदम टायर्ड हो रखी है। तो इधर हम तो आज सिर्फ एडिटिंग कर गई बैठे दिन भर। बाकी मैंने शॉर्ट रिएक्शन भी स्टार्ट किया है, तो
उसको भी जाके अच्छे से सपोर्ट करो, पसंद आए तो लाइक उसको भी कर दो, बाकी सब्सक्राइब करना तो तुम लोग भूल ही जाते हो, तो उसका यही कहें, कभी तो याद आएगा स्पिन का इंतजार करेंगे और क्या। अभी तो पहले रोड पर इतनी भयंकर ट्रैफिक हो रखी है, तो फाइनली जाके आज की शाम की भी राइड खत्म होने वाली है। मतलब डेली बेस पर अगर देखा जाए तो आज शाम की राइड छोटी थी और ज़्यादा टाइम की भी नहीं थी, बस पिक एंड ड्रॉप वाली सर्विस थी आज, ना कहीं एक्सप्लोर किया, ना कहीं घूमे, ना कुछ खाया, ना कुछ, बस पिक एंड ड्रॉप। आज सब पहली बार होगा कि मैं शाम को जब आया हूँ तो 8 बजे तक आता। फाइनली जाके सारा काम निपट गया और 2-3 रिएक्शन शॉट्स भी हो गए, शूट कर लिया और अब कल उसको अपलोड कर देंगे, एडिट भी हो गया है बस। तो आज जो मतलब सिनेमा भाई इंटरव्यू देने गए थे तो वहाँ पे वो गए, पास भी हो गए, मतलब क्लियर भी कर लिया, बट जो उनका मतलब कहते हैं ना उनके सूटेबल एरिया जो भी कहते हैं उनका इन्वायरमेंट जो चाहिए था उन्हें वो उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। बाकी क्या हुआ ये एक दिन स्टोरी टाइम बनाएंगे तो सब बताएंगे आपको, श्रेय ही बताएगा, तो उसके लिए बैठना एक हफ्ते में एक दिन स्टोरी टाइम सोच रहा हूँ मैं करूँ, तो तुम लोग कमेंट करो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। बाकी आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना शेयर करो, शेयर कर दीजिए, प्यार बढ़ता है और प्यार बढ़ाया करो, कम्युनिटी बड़ी होती जा रही है तो प्यार भी बढ़ाओ, तो सपोर्ट और लेवल बढ़ाओ। तो बस इस ब्लॉग को देखने, थैंक यू, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, साथ में गुड नाइट।